আমি জানি না হিয়া, এগুলা ডাকে যদি জ্বর আসে না তোর, আমি জানি না। তারপরে তোর জ্বর আসলে আমি ওরে কেমনে করে দেখবো, আমি তো তোরে নিয়ে ব্যস্ত থাকবো। ওই যে ওই দেখ, ওই স্যার স্যার দেখ 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 কি করতেছে, এটা টাইম না মায়া। ওই দিদা দিদা কিছু করবো না। हे गाइस, इट्स वेरी अर्जेंट। मैं ऐसे ही लेट लेट के बात कर रही हूँ क्योंकि नहीं तो ये उठ जाएगा जिसको मैंने अभी दिखाया। तो मैं ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो करूँ क्या। तो ये बेसिकली मैं इससे शुरू से बताती हूँ। इसको मैंने एग्ज़ाम से पहले जनवरी में देखा था, जनवरी भी नहीं दिसंबर में देखा था इसको, 2023 का। तो वो जहाँ पर था ना, ये सिक्किम से है बेसिकली, और ये एक फीमेल पपी है। तो मुझे इतना ख़राब लगा था जहाँ पर था, उसको एक मतलब वो चेन से बांध के रखा था, खाना वाना देता था, बाहर ही रहता था ठंड में। सिक्किम का ठंड आपको पता है, तो वो ठंड में ऐसे रहता था बाहर, कोई भी अच्छे से टेक केयर नहीं करा जाता था इसका। और ये ब्रीड भी अच्छा है, इसका जो ब्रीड है वो है फिनिश लैफून। अब जाके फिनिश लैफून का मिक्स है, लाइक इसका मदर एकदम प्योर फिनिश लैफून है, तो वो भी उसकी मदर की तरह ही है, काफ़ी सिमिलर है। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो फिनिश लैफून डॉग ब्रीड, बहुत एडोरेबल है, बहुत प्यारा है, सब ठीक है। बट मेरा जो दिक्कत है, मैंने इसको लाया था, फिर एग्ज़ाम था मेरा, तो इसलिए मैंने इसको एक भैया के पास दे दिया था। और फिर मैंने बाद में सोचा था, अगर उसको उसके पास उनके पास अच्छे से रहती है ये, तो मैं उनको ही दे दूँगी परमानेंटली। बट अभी क्या हुआ, मैंने देखा वो अच्छे से नहीं रखते। एक तो बाहर 24 आवर्स उसको बाहर चेन से बांध के रख देते हैं बरामदे पे, ठीक है। कोई अच्छे से टेक केयर वगैरह नहीं करते, मतलब करते हैं उनसे जितना हो पाता है। वो बाहर रहते हैं, वो भी काम पे जाते हैं, उनके घर वाले देखते हैं। तो मैंने बोला था उनको कि वैक्सीन से पहले बाहर ज़्यादा मत निकालो, उन्होंने वो बात भी नहीं सुना था, उन्होंने किया था। तो मुझे लगा कि उनको नॉलेज नहीं है इतना, और वो इसको रखेगा भी तो एक स्ट्रीट डॉग की तरह, मतलब हम रखते हैं ना कि भाई है, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। लेकिन ये ब्रीड ऐसे नहीं रह सकता। और अभी सीज़न है पार्वो का, तो मुझे लगा भाई पार्वो वगैरह हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, और मेरा हाथ में इसने बहुत काट दिया था, मैं क्लिप ऐड कर दूँगी। मैं अभी आज थोड़ी देर पहले जाके इंजेक्शन लगा के आई, अभी टीटी लगा के आई, कल सुबह जाके रेबीज़ का भी लगाऊंगी। इसका रेबीज़ का इंजेक्शन हो गया है, बट फिर भी डॉक्टर ने कहा कि सेफ्टी के लिए लगा लेने को, तो मैंने लगा लिया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे काटता है, मुझे दर्द हो रहा है, फिर भी मुझे इन लोगों से पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा प्यार है। मैं तो इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं। और मुझे अभी अभी इस मोमेंट पे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि घर पे मैं इसको ले आई फिर, क्योंकि उधर अच्छे से नहीं था। और मैंने इसको इसीलिए नहीं लाया कि किसी को भी दे दूँ, अच्छे से नहीं रहे। मैं चाहती हूँ जो भी इसको रखे एकदम अपने बच्चों की तरह रखे, मैं जैसे रखती हूँ, मैं इसको मेरी बच्ची समझती हूँ कि भाई मेरी बच्ची है ये, इसको थोड़ी सी भी तकलीफ ना हो, मुझे हो रही है हो, इसको ना हो। भाई ये लोग बोल भी नहीं पाते अगर इसको, इनको तकलीफ होती है तो। वेट एक सेकेंड, तो ये लोग बोल भी नहीं पाते, ठीक है। मैं हल्के से उठती हूँ, ये लोग बोल भी नहीं पाते हैं इनको अगर तकलीफ़ होती है तो। तो मैं नहीं चाहती कि इनको कोई भी तकलीफ़ हो, बट अभी ऐसा सीन है कि इसको मेरी मम्मी संभाल नहीं पाएगी, और मैं हर वक्त घर पे तो नहीं रहूँगी, मेरा स्कूल रहेगा, मेरा ट्यूशन वगैरह रहेगा, बाहर निकलूँगी, तब मेरी मम्मी कैसे रखेगी। ये मुझे टेंशन है कि कुछ घंटे का बात हो तो एक है कि बांध के रख दिया या ऐसे छोड़ दिया घर पे, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मुझे कहीं जाना पड़े, लाइक एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, तो तब क्या होगा। तो इसीलिए अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ। और मेरे घर वाले बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, मेरी मम्मी को छोड़ के। मेरे एक मामा जी रहते हैं घर पे, वो बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं करते, वो बिल्कुल भी इनका टेक केयर नहीं करेंगे अगर मैं बताऊँगी भी तो। तो वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने दो लोगों से बात किया है हमारे यहाँ पे, जो एक डॉग रेस्क्यू करते हैं वो एक भैया से, और भी किसी एक दीदी है उनसे भी बात किया कि इसके लिए एक अच्छा सा घर ढूँढ दो जहाँ पर अच्छे से रहे। तो मैंने जैसे यही शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। जल दे तो। ओए जोखन। आए आए। अभी इसको लेके चल रहा है सब। जल जल कुछ करता है। जल जल खा।
तो इस दाराओ दाराओ तो तब मैं इमोशनल हो गई थी तो मैंने स्टॉप कर दिया था। ओके अब मैंने इतना ज्यादा रोया, शायद मेरा तबीयत खराब था तब भी नहीं रोया मैंने। जो भी हो अभी शायद इसको दे ही दूंगी। आप लोग कमेंट करना कि मैं ठीक कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ या क्या। मेरे घर पे रखने का कोई भी चारा नहीं है, मैंने जो हो सकता है सब कुछ किया इसके लिए। बट ये मतलब एक्चुअली ये काइंड ऑफ अलग ब्रीड का डॉग है और इसके ब्रीड के बारे में कुछ पता भी नहीं ज़्यादा मुझे। मैंने बहुत रिसर्च किया फिर भी नहीं पता, क्योंकि ये ब्रीड इंडिया में रेयर है। उसका जो मॉम का ब्रीड है, मतलब वो जो ब्रीड का है बिलोंग करता है, इंडिया में बहुत रेयर है, इसलिए यूट्यूब में इसका वीडियो ज़्यादा नहीं मिलता। और आप मिलता भी है तो फॉरेनर लोगों का, ठीक है, बाहर के कंट्रियों का मिलता है, ज़्यादातर फिनलैंड वगैरह का मिलता है, क्योंकि वो है ही फिनलैंड का कुत्ता। तो अभी शायद दे ही दूंगी, बुरा लग रहा है बट दे दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अच्छे से रहे, बस शांति से रहे, इसको कोई भी तकलीफ ना हो जहाँ भी रहे। यहाँ पे रहेगा तो तकलीफ होगा, रोता रहता है, और मुझे पढ़ाई पे फिर मन भी नहीं लगेगा और बहुत परेशानी होगा। मीनवाइल इसने बहुत बार मुझे काट भी चुका है, जो जिससे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे काट चुका है तो भाई ठीक है। लेकिन मम्मी को लेके मैं टेंशन में हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मम्मी का एज बहुत है और मम्मी को काट लिया तो मम्मी सह नहीं पाएगी, और मम्मी बहुत डरती भी है। अभी फिर भी बहुत हद तक मम्मी का डर गायब हुआ है। पहले दिन तो मम्मी इसके पास भी नहीं जा रही थी, तो छू भी नहीं रही थी, तो ऐसे करके नहीं होगा। और ये पूरा दिन मतलब बदमाशी तो करेगा, छोटा है क्योंकि, और क्योंकि देखो अभी जान पहचान का ब्रीड होता तो भी ठीक था, बट हाँ मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है ना, गिल्ट बहुत तेज वाला फील हो रहा है। आई डोंट नो मैं ठीक कर रही हूँ या गलत, मतलब किसी को मैं दे के ठीक कर रही हूँ या गलत, मुझे ये भी टेंशन रहेगा कि उसके पास कैसा रहेगा। मैं सब कुछ देख के, सब कुछ का इन्फॉर्मेशन लेके ही इसको दूंगी, ठीक है ना। और मेरे दिल में डॉग्स के लिए जो प्यार है, डॉग्स, गाय, भैंस, सबके लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है, सभी जानवरों के लिए, वो तो बिल्कुल बरकरार रहेगा। मैं मेरे गली के जो कुत्ते हैं जिनको खाना खिलाती हूँ, उनको मैं ऑब्वियसली हर रोज़ जितना हो सके, जब हो सके मैं खिलाऊंगी, जितना कर पाऊंगी मैं करूंगी। बट इसके लिए घर पे रख के करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। और मम्मी को मैं प्रेशर नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी मेरे को लेके वैसे ही बहुत प्रेशर में है। आई डोंट वॉन्ट हर टू फील मोर प्रेशर बिकॉज ऑफ ये सब। ओके तो या आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना कि मैं सही कर रही हूँ या गलत, क्योंकि मुझे बहुत गंदा वाला फील हो रहा है। तो आई होप आप मुझे हर एक वीडियो में, हर एक बार सपोर्ट करते हो अच्छे अच्छे कमेंट करके, तो इसीलिए मैं आपके पास आई सब बताने के लिए। आई नीड योर हेल्प गाइस, बाय।